वेलकम टू एसएससी मेडी जी। सभी एसएससी एस्पायरेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है, और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो एसएससी सीजीएल 2019 को टारगेट किए हुए हैं, या वो हर एक एग्जामिनेशन जहां पर इंग्लिश एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो इसी के तहत जो क्यू मैथ के ऑनर हैं, जो फाउंडर हैं निखिल गुप्ता जी, उन्होंने ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबुलरी लॉन्च की है। ये बुक किस लिए खास है और इस बुक के फीचर्स क्या हैं और ये बुक बाकी सभी बुक से अलग क्यों है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आप खास करके एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकती है। सबसे पहली बात, अगर हम एसएससी सीजीएल के सिलेबस में इंग्लिश को डिवाइड करें, इंग्लिश को अलग अलग सिलेबस में डिवाइड करें, तो एक दो महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं। एक होता है ग्रामर और दूसरा होता है वोकेबुलरी। और अगर वोकैब की बात करें तो डायरेक्टली एसएससी में 50% से ज़्यादा वोकैब पूछी जाती है, और इनडायरेक्टली अगर हम देखा जाए तो पूरा 70% एसएससी का पूरा सिलेबस है जो इंग्लिश का, वो पूरा वोकैब होता है। तो वोकैब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब अगर दूसरी किताबों की बात करें, जैसे कि मान लीजिए नीतू सिंह की जो वॉल्यूम 1 है, वो बहुत अच्छी बुक है, उसका कोई तोड़ नहीं है, लेकिन वो ग्रामर की बुक है और उसके पीछे जो कुछ वोकैब्स दी हुई हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी दिए हुए हैं, इडियम्स भी दिए हुए हैं, लेकिन उस बुक में प्रॉब्लम यह है कि वो 2016 में लॉन्च हुई थी और उसके बाद से आज तक अपडेट नहीं की गई। माना कि उसका, हालांकि उसका जो नया वर्जन लॉन्च हुआ है, लेकिन वहाँ पर नए वोकैब्स ऐड नहीं किए गए हैं, ना ही नए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐड किए गए हैं, ना ही नए इडियम्स ऐड किए गए हैं। लेकिन अगर आप हाल फिलहाल एसएससी का पेपर देखें 2018 को सीजीएल का प्री छोड़कर, 2017 तक काफ़ी नए नए वोकैब्स, इडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में सबसे अच्छा ये रहेगा कि जितने भी नए नए इडियम्स, वोकैब और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो हम पहले करें। तो इस बुक में जिस तरह से डिजाइन किया गया है, वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है और काफ़ी बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक डेमो देता हूँ कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, और ख़ास बात यह है कि मान लीजिए कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है और इडियम या सॉरी एंटोनेम या सिनोनेम पूछा गया है, तो अगर आपका कोई एक एंटोनेम पूछा गया है और उसके चार ऑप्शन हैं, तो चारों में से स्वाभाविक सी बात है कि कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। और मोस्ट ऑफ बुक में जो एंटोनेम पूछा गया है जिस शब्द का, मान लीजिए कोई शब्द है फ्लेबरगास्टेड, उसका एंटोनेम पूछा गया है, तो फ्लेबरगास्टेड इस शब्द का मीनिंग दिया होगा और वो जिसका एंटोनेम वो होगा उसका मीनिंग दिया होगा। बाकी के जो तीन वर्ड होते हैं उसका मीनिंग किसी भी बुक में नहीं दिया जाता है। लेकिन इस बुक की खासियत यह है कि यहाँ पर जो अदर थ्री वर्ड्स होते हैं ऑप्शन में, उनका भी मीनिंग दिया गया है। उसका कारण क्या है कि एसएससी की टेंडेंसी रहती है, अगर आप एसएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एसएससी की एक टेंडेंसी होती है कि इस साल के जो ऑप्शंस हैं वो नेक्स्ट ईयर क्वेश्चंस में बदल जाते हैं। अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस कर रहे हैं, ऑप्शंस नहीं कर रहे हैं, जो नई नई वोकैब्स आ रही हैं ऑप्शंस में, उसको भी करना जरूरी है, क्योंकि वही नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जाएगा। हो सकता है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाए, हो सकता है कि वो एज ए सिनोनिम पूछा जाए, हो सकता है या उसका एंटोनिम पूछा जाए। तो इस बुक में आपका जो ऑप्शन है उसको भी कवर किया गया है, और 2017 के पहले की जितनी भी वोकैब है उनको एक साथ दे दिया गया है, और वहाँ पर उसके अलावा 300 मोस्ट रिपीटेड वोकैब्स भी दिए गए हैं। अगर आपके पास टाइम कम है या जो सबसे ज़्यादा आईएमपी वोकैब्स हैं, तो 300 मोस्ट रिपीटेड सबसे पहले उनको भी कवर किया गया है। और जो हाल ही में एसएससी सीजीएल 2018 की एग्जामिनेशन हुई प्री, उसमें जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सिनोनिम, एंटोनिम है, सब कुछ कवर कर लिया गया है। सीजीएल 2017 प्री, सीजीएल 2017 मेंस, सीएचएसएल 2018 जो हाल ही में कंडक्ट की गई उसमें जो एग्जामिनेशन में पूछा गया उसको भी कवर किया गया है। सीएचएसएल 2017 और सीपीओ जीडी और जीडी कांस्टेबल और एमटीएफ 2016 को भी कवर किया गया। मतलब अभी तक का जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन हुई है सीएचएसएल 2017, वहां तक की सारी चीज़ें कवर कर दी गई हैं। दूसरी किसी भी बुक में यहाँ तक की चीज़ें कवर नहीं की गई, और जो लेटेस्ट जो जितनी भी बुक लॉन्च होगी वो लगभग 6 महीने बाद या 8 महीने उनको लगेगा कवर करने में, जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड हैं। 2018 तक का जो जितना भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम या एंटोनिम पूछा गया उनको इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, और सीजीएल 2019 को कंडक्ट करने के लिए कुछ ही महीने बाकी हैं। तो ये बुक सबसे आपके लिए बेस्ट रहेगी। और जो अगर इस बुक का जो फीचर है उसमें काफ़ी ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश दोनों में मीनिंग दिए गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा आसान भाषा में समझाया गया है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ईडियम को भी समझाया गया है, सिनोनेम्स को के लिए अलग से,
पूरा दिया गया है, एंटोनियम का अलग से दिया गया है। और जो खास बात है कि मोस्ट ऑफ बुक में जो स्पेलिंग वाला पार्ट होता है वो नहीं दिया जाता है, लेकिन इस बुक में स्पेलिंग वाले पार्ट को भी कवर किया गया है। इसके अलावा जो सेक्शन टू है, सेक्शन टू में द हिंदू वोकेबुलरी, जो टॉप 1000 वोकेबुलरीज हैं द हिंदू की, उसको कवर की गई है हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेंटेंसेस के साथ काफ़ी ज़्यादा आसान भाषा में। और जो पार्ट थ्री है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जैसे 500 जितने इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब हैं, और जहाँ पर पूरा टॉपिक वाइज कवर किया गया है, खास करके इस तरह की वोकैब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछी जाती हैं, जैसे लिस्ट ऑफ मेनिया, वर्ड्स रिलेटेड टू स्लीप, वर्ड्स डिनोटिंग प्लेसेस, लिस्ट ऑफ लोगोस, लिस्ट ऑफ ग्राफी, मतलब इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक ही जगह बहुत ही आसान शब्दों में आपके लिए दे दी गई हैं। इसके अलावा जो लास्ट लास्ट पार्ट है, वहाँ पर जो वोकैब्स हैं, जो रूट वर्ड्स है, उसको भी कंप्लीट कर दिया गया है, वो भी दी गई है। मतलब अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं और बार बार रिवाइज करते हैं तो इंग्लिश आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी, और यकीन मानिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली 70% से ज़्यादा जो सेक्शन है वो इंग्लिश, जो SSC में 70% ज़्यादा चीज़ें हैं वो वोकैब ही हैं। अगर आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग है तो आपकी ग्रामर तो हवा हो जाएगा, और सारे आपकी जो क्लोज टेस्ट होता है, पैराजम्बल्स होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, सब चीज़ आप काफ़ी ज़्यादा आसानी से कवर कर सकते हैं। और जो इसकी ई बुक है और जो इसकी हार्ड कॉपी है, वो दोनों अगर आप अमेजोन पे अवेलेबल है, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर क्लिक करके आप परचेस कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इस बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।